हेलो बच्चों, आज हम अपने आसपास पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। एनिमल्स में हम सभी प्रकार की बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वाटर एनिमल के बारे में जानेंगे। कुछ एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। डोमेस्टिक एनिमल कौन होते हैं, जानते हैं आप? हाँ, वो एनिमल्स जिन्हें हम लोग अपने काम के लिए, खाने के लिए या पेट बनाकर घर पर रखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग उन एनिमल्स की बात करेंगे जो हम बोझा उठाने के लिए या सवारी के लिए रखते हैं, जैसे हॉर्स, डोंकी, ऑक्स, कैमल। इसके अलावा हम कुछ एनिमल्स को मीट के लिए पालते हैं, जैसे गोट, कॉक, डक, टर्की। कुछ एनिमल्स हमें एग्स देते हैं, जैसे हैन, डक, टर्की। कुछ एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, जैसे काव, गोट, बफेलो। इसके अलावा कुछ एनिमल्स से हमें वूल मिलता है, वूल यानी ऊन, जैसे शीप, जिनके हेयर होते हैं बड़े बड़े, उनके हेयर से हम ऊन बनाते हैं, वूल बनाते हैं, शीप एंड रैबिट। इसके अलावा हमें एक चीज़ और मिलती है जिसे हम बोलते हैं हनी। सभी बच्चों ने हनी खाया है ना? हाँ, तो हनी हमें मिलता है हनी बी से। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना, तो वो बोझा ढोने के काम आते हैं, ना ही वो दूध देते हैं, ना ही एग्स देते हैं, ना ही मीट देते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें पालते हैं। उसमें से हम हैं कैट्स एंड डॉग्स, जिन्हें हम अपने पेट बनाकर घर पर रखते हैं। तो ये सारे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, क्योंकि इनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो होती है वो मनुष्य को करनी पड़ती है। इसके अलावा दूसरी टाइप के एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में, और ये बहुत डेंजरस होते हैं, हम इन्हें अपने घर पर नहीं रख सकते। इसमें मेन है लायन, एलिफेंट, टाइगर, बियर, डियर, वुल्फ, फॉक्स, जिराफ, जेब्रा, राइनोसेरस, मंकी, स्क्वायरल। ये सभी छोटे बड़े जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं, हम इन्हें अपने घर पर नहीं पाल सकते। इसके अलावा कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं। इसमें सभी प्रकार की फिश, टर्टल, टर्टॉइज, क्रोकोडाइल, वेल, क्रैब, शार्क, ऑक्टोपस, ये सारे एनिमल्स आते हैं। इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, जैसे टर्टॉइज, क्रोकोडाइल, डक। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप है एनिमल्स का बर्ड्स। बर्ड्स सभी ने देखी है ना? हाँ, जिनके क्या होते हैं, विंग्स और फेदर्स होते हैं, बीक्स होती है यानी चोंच होती है, और जो एग्स देती हैं और उड़ सकती हैं, ये सारी होती हैं बर्ड्स। इसमें कौन कौन आते हैं बर्ड्स में? पैरट, पीकॉक,
पिजन, डक, क्रो, ईगल, ऑस्ट्रिच, ये सारी होती हैं बर्ड्स। इसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। जनरली इनकी कितनी लेग्स होती हैं? 6 लेग्स होती हैं, और किसी किसी के छोटे छोटे विंग्स भी होते हैं। लेकिन जो स्पाइडर है, यानी कि मकड़ी, जो हमारे घरों में आप लोगों ने देखी होगी, उसके कितने लेग्स होते हैं? 8 लेग्स होते हैं। तो इंसेक्ट्स में कौन कौन आ जाते हैं? बटरफ्लाई, मस्कीटो, लेडी बग, बीज, स्पाइडर, ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, एंट्स एट्सेट्रा। अब ये तो थे एनिमल्स के टाइप। अब इसके अलावा भी हम एनिमल्स को उनके खाने की आदतों के अनुसार भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हर जानवर का खाना अलग अलग होता है। तो इसमें पहला है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? यानी शाकाहारी। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स, ग्रेन्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। जैसे रैबिट, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। डियर, हॉर्स, काउ, डोंकी, गोट, ये एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स, ग्रेन्स खाते हैं। इन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। इसके अलावा दूसरा टाइप है कार्निवोर्स, यानी मांसाहारी जानवर, जो फ्लैश खाते हैं, यानी मीट, मांस खाते हैं। जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ, वल्चर। इसके अलावा तीसरा टाइप है ओमनीवोर्स, सर्वाहारी जानवर, जो प्लांट्स और एनिमल फ्लैश दोनों खाते हैं। इसमें है क्रो, हैन, डॉग और हम लोग मनुष्य, यानी ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग भी प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो हम लोग भी ओमनीवोर्स में आते हैं। हाँ तो बच्चों, आपने देखा कि सभी एनिमल्स हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं। तो आप लोग कभी भी कोई पेट अपने घर में रखो तो उसकी पूरी केयर करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसे प्रॉपर फूड और फ्रेश वाटर टाइम टू टाइम देना चाहिए। हमें उसे कभी भी टीज नहीं करना चाहिए, यानी चिढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ तो बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है होमवर्क में? आपको कुछ पेट एनिमल्स यानी डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं और कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं, और उनको स्पेलिंग के साथ लर्न भी करना है। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।